हेलो फ्रेंड्स, मिशन एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात बार्क के बारे में पढ़ेंगे। यह है बार्क का लोगो तथा राष्ट्र की सेवा में परमाणु बार्क का आदर्श वक्त है। इस वीडियो में हम बार्क को 3 नंबर और 5 नंबर के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। चलिए हम बार्क को 3 नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। सिद्धांत या आदर्श वाक्य राष्ट्र की सेवा में परमाणु। मुख्यालय ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। वर्तमान संचालक या निर्देशक डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती तथा इसका उद्देश्य है परमाणु अनुसंधान। चलिए अब हम देखते हैं बार्क को 5 नंबर के अकॉर्डिंग। चलिए आगे हम देखते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मार्च 1944 में डॉक्टर भाभा और सर दौरबजी टाटा ट्रस्ट के सम्मिलित प्रयास से मुंबई में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई तथा इसका उद्घाटन 19 दिसंबर 1945 को किया गया। कालांतर में 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया तथा इसके अधीन 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। क्योंकि अब परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 6 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे की स्थापना की गई और 20 जनवरी 1957 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे अर्थात AEET को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कुछ समय पश्चात 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना के कारण डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई तथा उन्हीं की श्रद्धांजलि में 12 जनवरी 1967 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। इस तरह से बार्क की स्थापना हुई। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हमें बहुत सारी बातें याद रखनी है, जैसे 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया, 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई, 6 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे की स्थापना की गई, 12 जनवरी 1967 को परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया तथा 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हुई। चलिए आगे हम देखते हैं बार्क के महत्वपूर्ण कार्य। बार्क वैसे तो बहुत सारे विषयों पर कार्य करता, परंतु हम यहाँ पर उसके प्रमुख कार्यों को देखेंगे, जैसे परमाणु विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए कार्य करता है। बार्क के द्वारा परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाता है। यह नाभिकीय विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं इससे संबंधित अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करता है। इसके अन्य कार्यों की बात करें तो आइसोटोप का उत्पादन करता है, रिएक्टर तकनीकी में अनुसंधान करता है, न्यूट्रॉन बीम अनुसंधान, न्यूट्रॉन सक्रिय विश्लेषण, ईंधन संयोजनों का विकास एवं परीक्षण तथा न्यूट्रॉन डिक्टेटरों का परीक्षण। चलिए अब हम देखते हैं इसकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। बार्क ने परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बहुत सारे रिएक्टर निर्मित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। अप्सरा, यह बार्क द्वारा निर्मित किया गया पहला रिएक्टर था। इसकी स्थापना 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। दूसरा है साइरस, इसकी स्थापना 10 जुलाई 1960 को की गई। इसे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में कनाडा के साथ मिलकर बनाया गया। 1974 में जो पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, वह साइरस से ही आया था। दिसंबर 2010 में इस रिएक्टर को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया गया, अर्थात इसको बंद कर दिया गया। थर्ड है ध्रुव, 1970 के दशक में बढ़ते हुए रेडियो आइसोटोप्स की मांग को पूरा करने के लिए इस रिएक्टर की स्थापना की गई थी। इस रिएक्टर का नाम भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जयसिंह द्वारा ध्रुव रखा गया। अगला है कामिनी, फिर है पूर्णिमा फर्स्ट, पूर्णिमा सेकंड, पूर्णिमा थर्ड और नेक्स्ट है जर्लीना। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।